नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रेल के निजीकरण का हुआ विरोध। केंद्र सरकार द्वारा रेल और रेल कोच कारखानों के निगमीकरण और निजीकरण को लेकर भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने खुलकर इसका विरोध करते हुए आर पार की लड़ाई लेने का मन बना लिया है। भारतीय रेलवे मजदूर संघ के नेतृत्व में सभी ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन के साथ मिलकर पूरे देश भर में सभी जोनों के सभी मंडलों और सभी शाखाओं में संघर्ष दिवस का आयोजन किया गया। इसी संघर्ष दिवस के तहत शहडोल में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। हाल में ही भारत सरकार ने 109 रूटों पर 121 प्राइवेट ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। भारतीय रेल भारत में जीवन रेखा की तरह है, जो लाखों लोगों की जीविका के साथ साथ आवागमन का साधन है। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी संरचना को लाभ हेतु निजी हाथों में सौंपना गैर लोकतांत्रिक और आम जनता के साथ धोखा है, जिसके तहत आज दिनांक 8 सितंबर को भारतीय रेलवे मजदूर संघ के नेतृत्व में सभी ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन के साथ मिलकर पूरे देश में संघर्ष दिवस का आयोजन किया गया। संयुक्त मोर्चे के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ के नेतृत्व में हुआ। संयुक्त मोर्चे में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक मेन एसोसिएशन, ऑल इंडिया रनिंग स्टॉप एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, ऑल इंडिया काउंसिल, इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग एसोसिएशन, ऑल इंडिया एसटीएससी एसोसिएशन सम्मिलित हुए। विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम में सभी रेल कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम की शुरुआत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में नारों के उद्घोष के साथ हुई। शहडोल से हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। मैं तो कहता हूँ भाइयों कि एक न एक दिन ये तो मैंने बहुत बार सुन चुका हूँ, आज धरना प्रदर्शन होगा, कल होगा, लेकिन ऐसे करने से नहीं होगा मेरे भाई। जब तक हम नहीं जागेंगे, अरे वो समान पैकिंग वाला करने के लिए अभी देखिए संयुक्त कार्यक्रम होने जा रहा है कि धरना प्रदर्शन है निजीकरण के खिलाफ नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? हम लोग वहां रेलवे मौजूद है नहीं। इस मजदूर के लिए एक बार लड़ाई कस के लड़नी पड़ेगी। जो भी हमारा छोटे मोटे संयुक्त मतलब महामंत्री हो चाहे नीचे स्तर का हो, सबको लेकर एक मजदूर पालेंगे। अभी देखिए हमारे टीटी भाई को बोलते हैं कि भाई जाइए बाहर से ऊपर चेकिंग करवाइए। आज हम सब यहां पर भारतीय रेलवे मजदूर संघ के आह्वान पर हमने सभी ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन के साथ एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है, जिसमें हम एक संघर्ष दिवस का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले 109 रूटों पर 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। उसकी निविदा आज के दिन खुलने वाली है, इसीलिए हमने आज का दिन चुना है जिससे हम निजीकरण एवं निगमीकरण का विरोध कर सकें। इसमें हमारा लक्ष्य यह है कि हम कर्मचारियों के साथ मिलकर विरोध जताएं, साथ ही साथ जो हमारी लोकल जनता है उनके समक्ष भी निजीकरण के जो भी नुकसान है उनको उनके तक लेके आया जा सके। ठीक, और हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे ऊपर क्या चल रहा है, इसके बारे में हम लोगों को हमारी जड़ें काट दी जाएगी। हमने जो सोचकर प्रधानमंत्री जी को वोट दिया वो उन्हीं को मान सम्मान दे रही है जो उनका दावा चाहते हैं, लेकिन हम लोग बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, सब में हम रेल कर्मचारी एक साथ जुटे जाते हैं। चाहे टीआरडी के भाई हो, चाहे एसएनडी के भाई हो, चाहे टेलीकॉम को हो, चाहे मेरे ड्राइवर भाई हो, चाहे मेरा गार्ड भाई हो, उन्होंने यही सोचा यार यार ये आदमी सब कुछ नहीं करता है, खाली करेगा अडानी हाँ। रेल मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लगातार भारतीय रेल में निजीकरण को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। एक के बाद एक रेलवे स्टेशनों को जो है निजीकरण किया जा रहा है, 151 रेलवे ट्रेनों को जो है निजीकरण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जो है समूचे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर 9 अगस्त को विरोध प्रदर्शन किया गया था, और आज भी मजदूर संघ के द्वारा जो है
निजीकरण के खिलाफ जो है इन लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का भी जो है मॉरल सपोर्ट है, भाई समर्थन है। और अच्छी बात है कि सभी ट्रेड यूनियन मिलकर अगर निजीकरण का विरोध करेंगे तभी इसमें कुछ सफलता हासिल होगी, क्योंकि अलग अलग ट्रेड यूनियन अगर गुट अलग होकर अगर लड़ाई लड़ती है तो इससे जो है जो आंदोलन की रूपरेखा है वो कमज़ोर पड़ती है। और इसमें जो इनका भारत सरकार रेल मंत्रालय का जो मंशा है और निजीकरण को करने का, पदों को समाप्त करने का, वह जो है इसमें धीरे धीरे जो है सफल होते जाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है कि सभी ट्रेड यूनियन संगठनों को मिलकर एक आवाज़ में, एक झंडे के नीचे बुलंद होकर इसका जो है निजीकरण का विरोध करना।